हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारा अपने चैनल पे एडमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मैं नया डॉग ले रहा हूँ तो कौन सा डॉग लूँ, मैं फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हूँ तो कौन सा डॉग लूँ, मुझे कैसा डॉग लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा डॉग लेना चाहिए। आप सभी को जैसे पता है कि बहुत सारे डॉग अवेलेबल है मार्केट में, आपको कोई भी डॉग मिल जाएगा। और आप अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है वो डॉग ले लूँ, फिर दूसरी वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है ये डॉग ले लूँ, ये बेस्ट रहेगा मेरे लिए। ऐसे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा डॉग परफेक्ट रहेगा आपके लिए। पर दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आज आपके हट जाएंगे क्योंकि मैं आपको एक एक करके सब कुछ पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो, एक पहली बार कोई डॉग खरीद रहे हो या बाय कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी दिक्कत आती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, और आप कोई भी डॉग ले लेते हो। सपोज़ आपको एक अच्छा गार्ड डॉग और फ्रेंडली डॉग चाहिए, और आप एक अच्छा सा जो डेंजर होता है हैवी बॉडी वाला डॉग ले लेते हो किसी के कहने से या फिर कहीं से देखने के कारण। तो ऐसे में क्या होता है कि आगे जाके आप उसके साथ अच्छे से नहीं रह पाते, आपके घर में अच्छे से नहीं रह पाता, फिर आपको दिक्कत या प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। तो ऐसे में कई कई डॉग ओनर तो क्या करते हैं कि उसे किसी और को दे देते, और कोई कोई लोग तो फिर उससे एडजस्ट कर लेते। बट अगर आप परफेक्ट पहले से उसे अच्छे से आप कोई डॉग सिलेक्ट करते टाइम अच्छे से सिलेक्ट करते हो, तो आपको लाइफ टाइम बहुत ही दोस्तों बेनिफिट उसका मिलता रहेगा, और आपके लिए काफ़ी अच्छा डॉग भी बना रहेगा। एक बात तो ध्यान रखना कि किसी के बोलने से या किसी के कहने से आप मत खरीदिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो कभी कभार आपके फ्रेंड्स वगैरह बोलते कि ये अरे यार ये देख अच्छा डॉग रहेगा, ये काफ़ी हैवी बॉडी होता है भाई, ये पेट बुल हो गया या फिर ऐसे डॉग। बट अगर आपके लिए पेट बुल अच्छा है या फिर कोई और डॉग जो होता है रॉटवाइलर होते डोबरमैन होते, अगर आपके लिए वो आपके काम के लिए यूज़फुल हो तो दोस्तों आप उसे ले सकते हो। अगर नहीं यूज़फुल तो अगर लेके कुछ फ़ायदा नहीं, फिर आपको उसको दिक्कत या प्रॉब्लम आएगी संभालने में, उनको देखभाल करने में। तो इसलिए किसी के कहने से बिल्कुल मत खरीदिएगा। आपके हिसाब से, आपके घर के हिसाब से, आपको जैसा लगे उस टाइप से आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि पैसे का। ध्यान रखिएगा, कभी भी डॉग बाय करते टाइम आपको पैसा की बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने डॉग खरीद लिया फिर आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये आपकी गलत फहमी। आगे जाके भी आपको उसका लाइफ टाइम में आपको बहुत सारा खर्चा होगा, जितना आपने डॉग खरीदने में खर्चा किया उससे ज़्यादा भी खर्चा हो सकता है। क्योंकि क्या क्या आपको सामना करना पड़ सकता है मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले उसका खाना आपको जो है उसका पैसे आपको जाते हैं, उसके बाद जो बीमार होता है उसके पैसे भी आपको जाते हैं, जो डॉग के टॉयस होते हैं डॉग के लिए जो जो सामान चाहिए उसके लिए खर्चा जाता है, घर में कुछ आपको कुछ लाना हो डॉग के लिए कुछ अलग से लाना हो उसके लिए खर्चा जाता है। कभी कभार आप बाहर जाते हो तो डॉग हॉस्टल होता है, डॉग ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे भेजते हो तो उसका भी खर्चा आपको आता है। तो ये सारे पॉइंट है जो खर्चे के हिसाब से अलग अलग डॉग ब्रीड के ऊपर अलग अलग अप्लाई होता है। सपोज़ आप कोई एक छोटी ब्रीड ले रहे हो, नॉर्मल ब्रीड ले रहे हो, कम साइज़ की ब्रीड ले रहे हो, तो ऐसे में आपको खर्चा थोड़ा सा कम आ सकता है। वैसे में आप मीडियम साइज़ का अगर डॉग लेते हो तो उस टाइप का खर्चा आएगा, और लार्ज साइज़ का डॉग लेते हो तो उस टाइप का आपको खर्चा होगा। इसलिए अपने खर्चे के हिसाब से लीजिएगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप कितना खर्चा कर सकते हैं डॉग के ऊपर, उस हिसाब से आप डॉग लीजिएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ आप सभी को, जैसे कि आपके 11 से लेकर 12,000 तक पगार हो या किसी के 8,500 पगार हो, तो ऐसे में आप एक लैब्राडोर आसानी से जो है एडॉप्ट कर सकते हैं, उसका खर्चा भी आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, पोमेरियन हो गया, पग हो गया, बीगल आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, बट एक बार खरीदने के बाद उसके ऊपर जो है ये छोटा मेंटेन आपको उसको रखने के लिए बस छोटे मोटे खर्चे आएंगे, बट उसको खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। दूसरा, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड अगर आपका 15,000-12,000 भी पगार हो तो भी दोस्तों आप जर्मन शेफर्ड आसानी से खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसका खर्चा भी होता है वो ज़्यादा करके हेयर और उसके हेल्थ के लिए ऊपर उसका खर्चा होता है, क्योंकि खाना होता है, कभी कभार बीमार पड़ा फिर तो आपको 1 या 2 हज़ार रुपये तो आराम से लग जाएंगे उसको ठीक होते होते। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दवाई के ऊपर और जो बीमार होता है उसके लिए ऊपर अगर आप अलग से पैसे निकाल के रखते हो तो आप ये डॉग के साथ जा सकते हो। अगर आपके इससे ज़्यादा मंथली इनकम है, जैसे कि 15,000 से ज़्यादा है, तो आप हैवी डॉग भी खरीद सकते हैं, जैसे कि रॉटवाइलर हुआ और भी गोल्डन रिट्रीवर डॉग हुआ और पेट बुल हुआ, उस टाइप से आप डॉग खरीद सकते हो। ये हुआ तो पैसे का पॉइंट। अब बात करते हैं घर का पॉइंट कि घर के हिसाब से आपको कौन सा डॉग लेना चाहिए।
अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर हो तो उस हिसाब से आपको डॉग खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मेंबर हो और लार्ज साइज़ का डॉग खरीदते हैं, तो ऐसे में दिक्कत आती है रहने में भी, और आपको घर के बहुत सारे मेंबर होते हैं घर के अंदर और डॉग भी यहाँ वहाँ रहता है, तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में आप छोटे साइज़ के डॉग ब्रीड खरीद सकते हो, जैसे कि पोमेरेनियन हुआ, बहुत सारे छोटे जो स्मॉल साइज़ के आते हैं, पग हुआ, बीगल हुआ, ऐसे बहुत सारे डॉग आप खरीद सकते हो। टॉय डॉग आप खरीद सकते हो, स्मॉल साइज़ के डॉग ब्रीड आप खरीद सकते हो और बाय कर सकते हो। दूसरी जो बात है, जो कि आपके घर में 4 या 5 मेंबर हो या 6 जन हो, तो ऐसे टाइप में भी आप जो है अच्छा फ्रेंडली डॉग खरीद सकते हो। अगर आपको एक सेफ्टी के लिए डॉग चाहिए तो उस हिसाब से आप डॉग खरीद सकते हो कि सेफ्टी के हिसाब से कौन कौन से अच्छे गार्ड डॉग है। डॉबरमैन हुआ, रॉटवाइलर हुआ, जर्मन शेफर्ड हुआ, आप अपनी जो आपको जो बेस है, आपको जिस हिसाब से चाहिए डॉग उस हिसाब से आप खरीद लीजिएगा। जैसे कि आपको एक गार्ड डॉग चाहिए, अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए डॉग चाहिए, तो उस टाइप के भी आपको डॉग जो है मार्केट में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, जो फ्रेंडली डॉग होते हैं, जो आप एक घर में एक फ्रेंडली तौर के रख सकते हैं, आपका स्ट्रेस यानी आपका जो टेंशन होता है वो उसको देखने के कारण मिट जाएगा, उसके साथ खेलने के कारण मिट जाएगा। एक फ्रेंडली डॉग चाहिए जो बच्चों के साथ भी काफ़ी आसानी से रह सकता है, उनके साथ भी खेल सकता है, तो उस टाइप के आप डॉग खरीद सकते हैं। अगर जिनको फ्रेंडली डॉग चाहिए वो एक अच्छा हैवी और गार्ड डॉग लेता है, तो वो कॉम्बिनेशन काफ़ी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको फ्रेंडली डॉग चाहिए तो उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि संभालना। ऐसा नहीं कि डॉग को एक बार खरीद लिया, बाय कर लिया, घर पे लेके आए, उसके बाद उसको कोई संभालेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको संभालने के लिए काफ़ी एक पर्सन तो होना ज़रूरी है। आपके घर में ऐसा नहीं कि आपके घर में 4 जन रहते हो और 4 जन काम पे जाते हो, तो उसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम खाना, उसको वॉक पे ले जाना, उसकी देखभाल करना, उसको हेयर वॉश करना, उसको नहलाना, ये सब कुछ होता है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एक सारे के सारे काम पे जा रहे हो और आप सोचते हो मैं डॉग एडॉप्ट कर लूँ, तो ये बहुत सारी गलतफहमी होगी, क्योंकि थोड़े दिन बाद आपको ऐसा होगा कि डॉग को कोई संभाल नहीं रहा, फिर आप वो किसी और को दे देंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। डॉग के लिए अच्छी बात नहीं, आप तो एक टाइम पे थोड़े दिन बाद भूल जाओगे, बट डॉग को दूसरी फैमिली में जाना, रहना, एडजस्ट करना बहुत ही तकलीफ होती है, इसलिए उस टाइप से आप डॉग खरीद सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में एक या आपकी मम्मी या फिर आपकी दादी हो गया, कोई घर में रह रहा है 24 घंटे, आप अपने से 4 जनों में से 2 जन जॉब पे जाते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप कोई भी डॉग आराम से खरीद सकते हो। अब बात करते जो मस्कुलर डॉग होते हैं, काफ़ी हैवी बोन वाले डॉग होते, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉग होते हैं, उनकी हेल्थ बॉडी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, पिटबुल हो गया, ऐसे बहुत सारे डॉग ब्रीड अगर आपको खरीदना है तो आप किस हिसाब से खरीद सकते हो। उसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक फार्म हाउस होना ज़रूरी है, खुला मैदान होना ज़रूरी है। अगर आप विलेज में रहते हो, अगर आप सिटी में रहते हो 2 BHK के अंदर, और आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक हैवी डॉग और लार्ज साइज़ का डॉग लाऊं, तो आपकी गलत फहमी होगी, आपको बहुत ही तकलीफ़ होगी। इसके लिए आपका घर काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ बंगलो है, आपके गांव में रहते हो, आपके पास फार्म हाउस है, तो उस टाइप से आप आराम से एकदम हैवी बोन लार्ज साइज़ का डॉग ब्रीड रख सकते हो। तो अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको पूछना है कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या डॉग का प्राइस रहेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो कभी भी आप डॉग लेते टाइम ध्यान रखिएगा कि आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से लीजिएगा। ज़्यादा ऐसा हो, ज़्यादा पैसा खर्चा होता है उस डॉग के ऊपर और आपके पास इतनी इनकम नहीं है, इतना खर्चा नहीं कर सकते, उस टाइप का डॉग मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार आपके पास पैसे हो नहीं हो, तो उस हिसाब से देख के लीजिएगा कि डॉग को घर का खाने में भी डॉग अच्छे से खा सकता है। कभी कभार पैसा नहीं हो डॉग फूड के लिए, तो कौन सा घर का खाना अगर दे रहे तो भी डॉग अच्छे से खा ले, तो उस टाइप का आप ले सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कोई कोई डॉग को जो डॉग फूड ही चाहिए, तो ऐसे में फिर आपको पैसे नहीं हो तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप अपने हिसाब से डॉग लीजिएगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।